मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो एक बार आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे, माय डियर फ्रेंड्स। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। मैं यहाँ पे क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, पहली चीज़ जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई साहब, अगर आप इस सेशन को देख रहे हो, राइट है ना, लास्ट टाइम आपको प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास नोट्स नहीं था लास्ट टाइम, राइट है ना। तो ड्यू टू टाइपिस्ट कह सकते हो, ड्यू टू कंप्यूटर ऑपरेटर कह सकते हो, या ड्यू टू जो पीपीटी मेकर है, राइट। फिर मैंने सोचा आप सभी के लिए कि भाई मैं अपने ही तरीके से आप सभी के को नोट्स भी प्रोवाइड करूं। तो आफ्टर फिनिशिंग दिस क्लास, इस क्लास के जो नोट्स हैं, राइट, जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, राइट है ना, ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आर यू रेडी? सभी लोग टेलीग्राम पर हो? अगर आप सभी लोग टेलीग्राम पे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए यस, राइट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथ अगर आप इस सेशन में आए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको एक ही बार पढ़ना है, अभी एक ही बार पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको बार बार आप क्या कर लेना, उसको रिवाइज कर लेना है। क्या करना? रिवाइज कर, रिविजन टेक्निक आपको क्लास के बीच में बताऊँगा, राइट। पहली क्लास हमारी हो चुकी थी, जिन्होंने नहीं देखा हो, राइट है ना, वो जा करके वीडियो वाले सेक्शन में जा करके देखना। फर्स्ट क्लास जब चल रही थी, कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली कट हो गया, राइट। तो दिस इज द थिंग्स इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, NCERT सीरीज इट्स बाय मी, राइट है ना, मेरे द्वारा, और मेरी कुछ टीम भी आपको यहाँ पे क्लासेस लेंगे, राइट। जो अगर आप UPSC की तैयारी करो, चाहे PCS का, चाहे किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव, जहाँ पे आपका GS, राइट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री का HB नहीं समझ में आता है, राइट है ना, तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा, राइट है ना। इसकी मैं ऑलरेडी आपके लिए प्लेलिस्ट मैं बना रखा हूँ, राइट। वहाँ पे मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था ना कि क्या है हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, कोई बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको पढ़ाया था क्या है हिस्ट्री। बट आज के सेशन में हम सभी लोग 6th क्लास की हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 6th क्लास हिस्ट्री। फिर आपका पॉलिटी भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, राइट। ऑलरेडी इज इट क्लियर? आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? साथ में नोहा, नोट्स 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 बनाने के लिए बताता हूँ। नोट्स कैसे बनाना है, आपके साथ इस तरीके का एक पेज होना चाहिए, देखो इस तरीके का एक पेज होना चाहिए, एक ही पेज में नोट्स बनाना, ठीक है। करूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा शुरुआत करता हूँ, थोड़ा फास्ट, राइट। ऑलरेडी तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, आज शाम को 7:30 PM, राइट, इसी चैनल पर मेरे सर IPS वाइभव, राइट, IPS वाइभव का, जिन्होंने स्ट्रैटेजिकल सेशन जो आप सभी के लिए दिया था, राइट, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है, राइट है ना, राइट। तो यहाँ पे आपको मेरे साथ उनकी वार्तालाप हुई है, वो पूरा डिस्कशन आपके पास है। मैं श्योर करता हूँ कि इनको देखने के बाद सभी लोग लाइव जरूर देखना। आफ्टर दैट देर इज नो नीड टू वॉच एनी सेशन, राइट है ना। एक ही टॉपर को फॉलो करो, एक ही जगह। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मान लो 1, 2, 3, 4, 5, राइट, 5 मान लो, ऐसे मान लो 5, राइट, मान लो यहाँ 20 फुट, यहाँ 20 फुट, यहाँ 20 फुट, यहाँ 20 फुट, और यहाँ 20 फुट, मान लो 20 फुट अगर आप गड्ढा खोदोगे तो आपको पानी मिलेगा, या वाटर मिलेगा, या एक ही जगह 100 फुट गड्ढा खोदोगे तो आपको पानी मिलेगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, इस सेशन को इतना प्यार देने के लिए। उससे पहले मैं बताऊंगा, अगर आप चाहते हो कि इस सेशन को मैं कंटिन्यू करूं, राइट है ना, कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इस सेशन को कंटिन्यू जरूर करूँ और मुझे मोटिफिकेशन मिल सके। मैं एक बात और कहता हूँ, राइट, जिस अगर आप लोगों में से किसी के पास अगर NCERT अगर बुक है चाहे नहीं है, राइट, अगर है तो एक बार पढ़ लेना। इसके बाद जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, एक आप सेल्फ नोट्स बना लेना, सेल्फ नोट्स, ओनली वन पेज, वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, राइट। प्री के भी MCQ, देखो MCQ क्वेश्चन भी इंक्लूड है, राइट, ये तो कितने सारे MCQ क्वेश्चन इंक्लूड है, ये देखो बहुत सारे हैं मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, बहुत सारे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेशन होंगी, दिस सेशन इज द बायलैंगुअल, राइट है ना, ये देखो बायलैंगुअल सेशन, देखो इंग्लिश में भी है, राइट है ना, और आपका यहाँ हिंदी में भी है। देखो किस किस तरीके, कितने टफेस्ट टाइप ऑफ MCQ है, सो डोंट वरी, राइट है ना, सो डोंट वरी, ओके, इज इट क्लियर? बट मैं धीरे धीरे ये जो PPT की जो क्वालिटी है, राइट है ना, ये अकॉर्डिंग टू टाइम टू टाइम, वो सर आपकी ही क्लास लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रही हूँ, ठीक, ओके, धीरे धीरे सर आप
ने रिटर्न अन अकेडमी ज्वाइन किया है क्या वहाँ आपकी क्लास? भाई साहब मैंने ज्वाइन नहीं किया, राइट, मैंने ज्वाइन नहीं किया ना मैं ज्वाइन करूँगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती चले, बस धीरे धीरे पीपीटी की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, राइट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक बात और आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, एक बार और डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरे पास एक पॉइंट और है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ रहना। उसके बाद आज के सेशन में जो आप ये देख रहे हो, ये देखो जो आप ये देख रहे हो, राइट राइट, एक सेकंड देखो, जैसे देखो, जैसे कि मान लो ये आपका इंग्लिश में, अब हिंदी में भी दिखाऊंगा, राइट, हम लोग इसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इसमें एक चीज़ और है मेरे प्यारे बच्चे, जो आपको ये जो एनसीईआरटी के पीछे जो टर्मिनोलॉजी जो दी होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्या होगा, क्या इसका आंसर होगा, सबको विजुअल हो रहा होगा, राइट। और आप सभी लोग इसका आंसर लिख करके मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, या नहीं तो चैट सेक्शन में आप मुझे भेजना, राइट है ना। एक मैं इसका हिस्ट्री डिस्कशंस के लिए एक मैं ग्रुप बना दूंगा, नॉर्मल एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। तो क्या आप सभी लोग रेडी है? सर यस, क्लास पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए आप थोड़ा टाइम रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। और बहुत जल्दी हमारे 6000 सब्सक्राइबर आप सभी लोगों ने कर दिया, सभी को थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो चलो मैं शुरुआत करता हूँ। देखो सबसे पहली बात, ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता भी दिया था, बट फिर भी आज मैं इस सेशन में बताने के लिए एक पॉइंट आपको और डिस्कस करता हूँ, बहुत जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, राइट। ये देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है, राइट है ना, आप सभी को विजिबल हो रहा होगा, राइट है ना। कुछ जो है यहाँ पे क्या है, टर्मिनोलॉजी कह सकते हो, या हम इसे कीवर्ड कह सकते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट, क्या है आर्कियोलॉजिस्ट, लास्ट है आर्कियोलॉजिस्ट, बिल्कुल यहाँ से पढ़ेंगे, राइट है ना। आर्कियोलॉजिस्ट, व्हाट इज आर्कियोलॉजिस्ट, क्या है? थैंक यू सो मच। स्प्लिट बटन को यूज करके हिंदी इंग्लिश साइड बाय साइड ओपन किया जा सकता है। आकाश तिवारी, स्प्लिट बटन को यूज करके हिंदी इंग्लिश, आकाश तिवारी एक बार बेटा मुझे फ़ोन करना, जरा क्लास के बाद मुझे ये बात समझाना, मुझे ये फंक्शन पता नहीं है, ठीक है। 8285727961 थोड़ा मुझे मैसेज करना, ठीक है आकाश तिवारी। मैं वैसे ही चाह रहा था, अगर वैसे होता तो मेरे लिए और भी बेहतर होता, फिर मैं आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी भी करा देता, और यहाँ पे हम लोग एक घंटे जो पढ़ते ना वो प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ते, राइट। अगर ऐसा हो जाएगा तो और बेहतर होगा, फिर मुझे ये सब चीज़ फिर मैं बाद में आपको वो पढ़ाने के बाद इसका मैं नोट्स दे देता आप सभी के लिए, ठीक है, मुझे बताइएगा, राइट। आई लव यू सर सभी, ठीक है रुद्र, ओके ओके ओके। नाउ तो देखो, आर्कियोलॉजिस्ट पीपल हु स्टडी द ऑब्जेक्ट मेड एंड यूज इन द पास्ट कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, राइट। पुरातत्ववेत्ता जो लोग अतीत में बनी और उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है और उसका यूज किया गया, यानी बना और यूज, तो ऑब्जेक्ट स्टडी वो स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट। इसका आपको के लिए कोई मतलब नहीं, बस आपको जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट। अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे, छोटा मोटा दोगे, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, ओके। उसके बाद है एक्सकैवेशन, राइट। एक्सकैवेशन का मतलब क्या होता है, जो जमीन के अंदर कोई भी चीज़ें होती है, राइट है ना, उसको जो हम लोग खोद के निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सकैवेशन। जमीन के नीचे कोई भी चीज़ हो उसको खोद कर निकालना, राइट है ना। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर टू फाइंड ओल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सकैवेशन, राइट। जमीन के अंदर किसी भी चीज़ों का आपने दुबा छुपा रखा है और उसको निकालते हैं, राइट। कुछ लोग गलत तरीके से पता नहीं क्या क्या चीज़ कर देते हैं, मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो एक्सकैवेशन का मतलब उत्खनन, पुरानी वस्तुओं को खोजने के लिए पृथ्वी के सतह के नीचे खुदाई करने की प्रक्रिया को उत्खनन कहते हैं। तो इज इट क्लियर, आर्कियोलॉजिस्ट ये स्टडी होता है क्या, इसका एक ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और उसको जो यूज किए होते हैं, जो पास्ट चीज़ों पहले की चीज़ों को, उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जस्ट राइट। तो इससे कोई मतलब नहीं, एक्सकैवेशन से भी आपके लिए कोई मतलब नहीं है, बस एक्सकैवेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो वर्ड आप जिसका आप यूज कर सकते हो, राइट। ऐसा नहीं लिखोगे कि डिगिंग द अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अगर इसके जगह केवल आप एक वर्ड यूज करोगे तो सोचो कि एग्जामिनर को कितना बेहतर आपके लिए हेल्प होगा, राइट। तो वर्ड का ही तो गेम है मेंस में, इज इट क्लियर, शॉर्ट नोट्स, राइट। उसके बाद हिस्टोरियन का तो कोई मतलब नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी देख लो। स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट, ऐसे स्कॉलर जो पहले की चीज़ों को अगर स्टडी करते उसको हिस्टोरियन कहते हैं, राइट है ना। अतीत के अध्ययन करने वाले विद्वान इतिहासकार कहलाते हैं, ये भी आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है मेरे साथ। सर क्या अब आप
अनअकैडमी में नहीं पढ़ाते भाई साहब, मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया, राइट है ना, ये मेरा अपना चैनल है, राइट है ना, आप यहाँ पे पढ़ो बेहतर होगा, वहाँ पे मेरे नाम से अगर आपको कॉल भी आता है एडमिशन्स के लिए तो देर इज़ नो नीड टू ज्वाइन, राइट है ना, है ना, मैं वहाँ पे मैं नहीं हूँ, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं हूँ, मैं केवल यहाँ पे हूँ, राइट है ना। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, एक होता है इंस्क्रिप्शन और एक होता है मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें मैन्युस्क्रिप्ट नहीं दिया हुआ ना, क्या कुछ इसमें बताऊंगा क्या होता है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, एक ऐसी चीज़ें होती है जैसे जो पत्थर होता है, राइट, जो हार्ड, जो ऐसा कोई पत्थर स्टोन देखा होगा, जो कोई मेटल होता है, राइट, आपने देखा हो उस पर कोई भी चीज़ लिखी होती है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग है ना अपने घर के बाहर दीवारों पर लिखवाते हैं कुत्ते से सावधान, लिखा रहता ना कुत्ते से सावधान, राइट है ना, इज इट क्लियर। तो इस टाइप चीज़ों को हम क्या कहते हैं, तो जो पहले के टाइम में इंस्क्रिप्शन का मतलब दे आर राइटिंग आर वेरी हार्ड सरफेस, ये वर्ड जरूर यूज करना, वेरी हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल। और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ऐसी चीज़ें होती है जो हाथों से लिखी होती है। तो पहले के टाइम के जो बुक थी, पहले के टाइम के जो बुक थे, अच्छा पहले के टाइम में अगर आपने फर्स्ट क्लास की बुक पढ़ा होगा तो पता हो पहले किस टाइम की, आज तो हम लोग बुक वुक में लिखते हैं ना, लेकिन पहले किस में लिखे होते थे, पहले किन चीज़ों में लिखा होता था, पहले लिखा होता था माय डियर फ्रेंड्स डॉक्टर अपर्णा, राइट है, देखो पहले बॉक्स दैट राइटिंग लॉन्ग अगो हैंड ऑन पाल्म लीफ बार्क ऑफ ट्री आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। पुस्तकों के बहुत पहले तार के पत्तों या पेड़ों की छाला पर हाथ से लिखी जाती थी, इन्हें पांडुलिपियाँ कहा जाता है। तो ये बातें क्लियर है। अब स्किल्ड गैदर्ड का मतलब क्या है, स्किल्ड गैदर्ड का मतलब क्या है, ये वर्ड आपका इसमें यूज किया जाएगा। स्किल्ड गैदर्ड मतलब है द पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, वो अपने फूड को गैदर्ड करते थे, दे हैव लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड्स ईयर, राइट, कुशल संग्रह करते हैं वे लोग जिन्होंने अपना भोजन एकत्र किया और कई लाख वर्ष पहले नदी के, कौन से नदी के तट पे, नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। तो दिस इज द बेसिक्स, ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए इस पर। ये बातें क्लियर है, अगर आप सभी को समझ में आ रही है तो IIT टाइप करिए। अब आपको मुझे लगता है जब आप NCERT की बुक पढ़ोगे तो शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट, वेरी गुड। देखो भाई मैं NCERT सर नाइट वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन डाल देते हैं बेटा, नाइट वाली क्लास तो 10 PM में होती है ना, रात को 10 PM तो होती है, आज भी क्लास है, कल वाली क्लास आज तो आई, कल रात को क्लास नहीं हो पाई थी, राइट, CERT की क्लास तो होती है राइट। बाकी डिस्क्रिप्शन, ये वाली बात क्लियर है। तो अब आप लोग मुझसे आप पूछो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। देखो ट्रैवलिंग का मतलब आपको मैं बता चुका था, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, इसका डिफरेंस आर्कियोलॉजी बता दिया, हिस्टोरियन भी बता दिया, सोर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जब मैं आपको डेमो देने की जब मैं बात कर रहा था, इसी के प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट लेक्चर दिख जाएगा, राइट है ना। सोर्सेस आपको बता, कितने टाइप के सोर्सेस होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेनली सोर्सेस, मुझे बताओ मेनली कितने टाइप के सोर्सेस होते हैं बताओ। डेसिफर्मेट का मतलब मैंने ये भी सारी बातें आपको बता दिया था, बहुत सारी बात है। यस, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो बच्चा देख रहा है चुपचाप पहली बार में फर्स्ट चैप्टर को, अगर आपके पास देखो हिंदी में बुक है तो आप हिंदी वाला, इंग्लिश वाला ओपन कर लीजिए, हिंदी में है तो हिंदी वाला ओपन कर लीजिए, राइट, दोनों आप ओपन करके चुपचाप पढ़ लीजिए, है ना, ताकि आप सभी के लिए, राइट, ओके। आज तो मैं आपको ये करा रहा हूँ, फिर आपको PYQ भी कराऊंगा जो MCQ टाइप के क्वेश्चन है, राइट, है ना, फिर मैं आपको मेंस के लिए भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, और वो सभी लोग अपना अपना आंसर मुझे टेलीग्राम पे भेजना, मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो, राइट, है ना, या चाहे तो एक टेलीग्राम पे मैं इसका एक ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है, एक टेलीग्राम पे मैं आपको लिए इसका डिस्क्रिप्शन के ग्रुप बना देता हूँ, उसमें जिसका भी बेस्ट आंसर होगा 5 बच्चों का आंसर यहाँ पे आपके सामने डिस्क्रिप्ट किया जाएगा, दिखाया जाएगा। क्लियर है, पॉइंट इज क्लियर, चलो ठीक है, अब देखो बात क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बात क्लियर है, राइट, है ना, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ दे रहा हूँ, राइट। उससे पहले मैं छोटा सा एग्जांपल आपको और एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, जो आपको मुझे बताना बहुत ही ज़रूरी लगता है, ठीक है। देखो इस कौन सा कलर से करूँ, इससे करूँ क्या, देखो एक है डेटिंग है, हिस्ट्री में जो डेट लिए गए हैं, तो हिस्ट्री के अंदर जो डेटिंग जो लिया गया वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग लिया गया, राइट। AD फर्स्ट AD का मतलब क्या है, बर्थ ऑफ जीसस, और इससे पहले BC होता है, तो BC का मतलब क्या, देखो BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब है द डेट्स इंक्रीज एज वन गोज बैक इन टाइम, पीछे उधर गया था लिखे है ना बैक इन टाइम, राइट। BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा BC, AD का मतलब एंडो डोमिनेंट लैटिन टर्म इन विच मीन्स इन द ईयर ऑफ द
year of the Lord, right? See, common era. The dates increases as one goes forward in time. AD का मतलब forward in time और BC का मतलब backward in time. Backward in time. अब BP before ये दोनों चीज़ है ना आपके NCERT में दिया हुआ है. शायद BP नहीं दिया हुआ है. BP नहीं दिया हुआ है. BP नहीं दिया हुआ है. हाँ BP है last में मैंने उसको underline ही नहीं किया. BP means before present. Is it clear? Yes, before present, right? ये थोड़ा सा आपके लिए छोटा सा था जिसको आप कर सकते. BP, it is a time scale used, mainly used कहाँ पे होता है? Geology and other scientific discipline to specify when events in the past occurred. ये जियोलॉजी टर्म इसको यूज करते हैं. तो 1880 इस तरीके के थोड़े एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप देख सकते हो. एक और इम्पॉर्टेंट डेट्स है. अगर सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर की बिगनिंग कब हुई है? तो 8000 ईयर्स है वो. ये मेरे पास ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ये जो चार्ट है ये आपके लिए क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है. तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की शुरुआत जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो कब हुई है? कृषि का जो आरंभ है, राइट, है ना, इसको हम क्या कहेंगे? ये है आपका कृषि. हाँ, कृषि का आरंभ, राइट, है ना. 8000 पहली ऐसी सिटी थी जो सिंधु सभ्यता के, जो पहली ऐसी जो सिटी थी जो 47 सिंधु सभ्यता का प्रथम वर्ष, राइट, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर. सिटीज इन द गंगा वैली और बिग किंगडम, जो मगध जो था, सबसे जो बिग किंगडम जो था गंगा घाटी के, सर मगध किंगडम के बारे में पता है ना, वो 25 ईयर्स, राइट, गंगा घाटी के नगर यानी मगध का सबसे बड़ा राज. इसके किंगडम, इसके जो किंग थे वो बहुत बड़े पावरफुल थे. क्लियर, बात समझ में आ गई? ये चीज 25 ईयर द प्रजेंट अबाउट 2000, राइट, है ना, वर्तमान में लगभग, अभी वर्तमान, इसको छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है. ये वाले तीन चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत, कृषि की पहली शुरुआत कब? 8000 वर्ष पहले हुई है. पहली ऐसी सिटी था जो सिंधु सभ्यता का जो नगर था वो कब? 4700 वर्ष पहले. और गंगा नदी पे, गंगा घाटी के किनारे जो मगध का जो बड़ा राज्य था वो 2500 वर्ष पहले. ये तीन चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग चलते हैं शुरुआत करने. सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चे. मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसका. ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजी भी आप सभी को सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज़ें चलते हैं. अरे कुछ चीज़ें हट, हाँ अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी था. ट्राइब्यूटरीज मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? सहायक नदियाँ जानते हो ना, जैसे कि देखा होगा गांव घर में जो छोटे छोटे जो रिवर होते हैं, बहुत बड़े रिवर में, जैसे अगर आप यहाँ दिल्ली में हो, ठीक है ना, तो दिल्ली का जो यमुना रिवर, राइट, इस यमुना रिवर में छोटे छोटे रिवर आकर के मिलती होगी, तो दिस इज द कॉल्ड ट्राइब्यूटरीज रिवर, राइट. ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्मॉलर रिवर दैट फॉलो इनटू अ लार्जर रिवर आर सेड टू इट, राइट. नदियाँ जो बड़ी नदियाँ में बहती है, इसके सहायक नदियाँ, राइट, है ना. तो अभी जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे लिए कैसा है? ये हमारे लिए एक तरीके ट्राइब्यूटरीज क्लास है. ट्राइब्यूटरीज नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, राइट. ये छोटे छोटे नॉलेज मिल के आपके पास हिस्ट्री का बहुत बड़ा नॉलेज हो जाएगा. तभी सिक्स क्लास, फिर सेवन्थ, फिर एट्थ, फिर नाइन्थ, फिर टेंथ, फिर इलेवेंथ, फिर ट्वेल्थ. ओके, क्लियर है? सभी लोग रेडी हैं? चलिए, इट्स मोहम्मद अमान, ठीक है. अब देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे सुनिए जी, सभी लोग देखो, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर फॉर अ सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड देयर वर स्किल्ड गैदर्ड, राइट. जो लोग अर्लीस्ट पीपल जो लोग रहते थे वो क्या लोग थे? वो लोग स्किल्ड थे, राइट. कैसे स्किल्ड थे मेरे प्यारे बच्चे? जो कई लाख वर्ष पहले जो नदियों के किनारे जो लोग आ रहे थे वहाँ के रहने वाले लोग, शुरुआती लोगों में से जो कुछ लोग थे, कुशल संग्रहकर्ता थे. कुशल संग्रहकर्ता का मतलब ये था कि वो लोग एक स्किल्ड पर्सन थे, राइट. वो खुद भी भोजन इकट्ठा करते थे, वो पालतू जानवरों को भी पालते थे. मेरी बात समझ में आ रही है ना? वो वहाँ पे खेती बाड़ी भी करते थे, अनाज वगैरह भी उपजाते थे. सबसे फर्स्ट टाइम कौन सी अनाज
इन लोगों ने स्टार्ट किया, कौन सी, शहर के नाले, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास द सुलेमान एंड कीर्ति, द सुलेमान एंड कीर्तहार हिल्स जो है टू द नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो। देखो जो जो नॉर्थ वेस्ट के एरिया में, नॉर्थ वेस्ट के एरिया में सुलेमान और कीर्तिहार जो हिल्स है, राइट है ना, कीर्तिहार हिल्स के पहाड़ियों के आसपास कुछ ऐसे क्षेत्र थे, यानी नॉर्थ वेस्ट में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ के लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट बिगेन टू ग्रो कौन सा क्रॉप्स, व्हीट एंड बार्ले, केवल व्हीट एंड बार्ले, और कितने वर्ष पहले, 8000 ईयर्स हो। इसका मतलब यहाँ से एक बात ये हो गई कि फर्स्ट एग्रीकल्चर की बिगनिंग, देखो एग्रीकल्चर की बिगनिंग जो है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, वो 8000 वर्ष पहले की गई, सबसे पहली शुरुआत की गई। अच्छा कौन कौन से क्रॉप हैं, मेनली व्हीट एंड बार्ले, व्हीट एंड बार्ले, तो आप इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हो, सुलेमान एंड कीर्तिहार हिल्स है, ठीक है ना, कौन सा, नॉर्थ वेस्ट के आसपास है, और फर्स्ट बिगन किया कौन कौन सा क्रॉप किया, व्हीट एंड बार्ले, कितने वर्ष पहले, 8000 ईयर्स पहले। इसमें ये वाली लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब देखो मैं एक बार मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए ये कौन सा एरिया है, ये देखो नॉर्थ वेस्ट का एरिया दिखाना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो यहाँ पर, यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा है सुलेमान, कहीं आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे सुलेमान, ये देखो, ये देखो, ये आपका चार्ट है, ये आपका चार्ट है। देखो आपको पता होगा पहली बात, इसमें अगर मैं, इसमें मैं अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली बताऊं तो थोड़ा सा डायरेक्शंस के तरीके से भी सोच सकते हो, आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। देखो ये जो है ना, ये वाला ऐसे, इस मैप को मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। देखो ये ऐसे और ऐसे, ये वाला आपका नॉर्थ होता है, ये वाला आपका साउथ होता है, ये वाला आपका ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट होता है, राइट, हिंदी में इसको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये वाला आपका नॉर्थ ईस्ट है, राइट, ये वाला आपका साउथ ईस्ट है, ये वाला आपका साउथ वेस्ट है, ये वाला आपका नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम। तो अगर आप इसको अगर इस तरीके से, इस तरीके से करोगे तो इधर वाला एरिया होगा नॉर्थ वेस्ट, जो आपका सुलेमान और कीर्तिहार वाला है। तो इसके किनारे यहाँ पे जो हिल्स थे, जो हिल्स हैं, राइट, यहाँ के लोगों ने फर्स्ट टाइम बिगनिंग करना स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत की, किसकी शुरुआत की, एग्रीकल्चर की शुरुआत की, जिस एग्रीकल्चर की शुरुआत में दो क्रॉप्स इन लोगों ने उपजाना शुरुआत किया, कौन कौन सा क्रॉप था, वो गेहूं था, वो गेहूं था, और कौन सा था मेरे प्यारे बच्चे, बाजरा, व्हीट एंड बार्ले। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस 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 यस। सर पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आज ही पूरा हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर बेटा आज ही पूरा हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर विल फिनिश टुडे, ओके, द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद देखिए, द पीपल also began rearing animals like sheep, like sheep, goat and cattle and started living in village, right? जो लोगों ने उस टाइम जो जो किनारे जो रहा करते थे, सबसे पहले जानवरों को पालना शुरू किया, उसमें कौन कौन से जानवर थे, एक तो आपका sheep था, right? Sheep जिसको आप भेड़ कहते हैं, गोट यानी कि बकरी, गोट एंड बकरी, और कुछ मवेशी जैसे जानवरों को भी पालना उन्होंने शुरू किया, यानी कि खेती करने के साथ साथ कुछ जानवरों को भी पालना शुरू किया ताकि वो अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर तरीके से कर सके। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन वेयर सिचुएटेड इन द नॉर्थ एरिया, ऐसा जगह, राइट, जहाँ पहली बार राइस यानी फर्स्ट टाइम चावल, फर्स्ट जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था वो उत्तरी विंध्य में स्थित था, जो नॉर्थ विंध्यास में स्थित था। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना। अभी मैं आपको जो MCQ दिखाऊंगा वहाँ पे आपको करना, सर स्टार्लिंग टाइम में लोगों को कैसे मालूम चला कि ये व्हीट है, ये व्हीट है जिसको खाना है और ग्रो है, यही मेन तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो हम आगे चल के जानेंगे कि कैसे पता चला, कैसे क्या किया, राइट, है ना। वो सारी की सारी चीज़ धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते चलेंगे वो हिस्ट्री आपको बताता चलेंगे, राइट, ये व्हीट है, ये तो भाई जो इतिहासकार है, जो हिस्टोरियन है, राइट, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसका नाम दिया आज के टाइम को, चीज़ों को देखते हुए, राइट, ये चीज़ें ऐसा हो सकती है, वो चीज़ें ऐसा हो सकती है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यूज्ड ऑफ स्टडी, तो उसके बिहाफ पे पता चला होगा कि ये व्हीट है, ये राइस है, ये चीज़ है, क्लियर।
उत्तर भारत, राइट, जिसके लिए ध्यान रखिएगा, तो उत्तरी विंध्य में सबसे स्थित है। मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज वेल एज द एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग। देखो इसका मतलब बहुत अच्छी लाइन है, राइट है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो उस टाइम जो मेन और वुमेन जो थे ना, वो मूव एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। जब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, बेसिकली किसके लिए भाई, यहाँ कुछ मिलेगा खाने के लिए, कुछ वहाँ, कुछ यहाँ, और कुछ आपदा, राइट, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो नेचुरल डिजास्टर, राइट। आपको पता है, जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूँ, राइट है ना, तो आपको पता है कि कुछ ऐसी भी जगह इंडिया में जहाँ बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पे लोगों को हटा, जैसे आप कहीं का एग्जाम्पल मत लो, यमुना नदी आप लोगों ने दिल्ली में यहाँ देखा होगा, यमुना नदी देखा होगा, राइट। तो यमुना नदी का जो पुल है, उसके नीचे कई सारे लोग हैं जो अपना घर बना के रह रहे हैं, वहाँ पे लोग अपनी खेती कर रहे हैं। लेकिन अब देखो, अब वहाँ पे रह किसके लिए रहे हैं, वो अपनी लाइवलीहुड के पर्पज से रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाढ़ आने का टाइम होता है, वो लोग क्या होते हैं, वहाँ से क्या कर जाते हैं, वो लोग वहाँ से मूव्ड कर जाते हैं। या तो एक ही कर मूव इसलिए भी कर जाते हैं, देखो लाइवलीहुड के साथ साथ हो सकता है उसका दूसरा नेचुरल डिजास्टर, कि ऐसा ना बाढ़ आए उन लोगों को इधर से उधर कर दें। अभी दिल्ली में बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, कई सारे लोग रोड पर आ गए थे, राइट। तो ये वो सिचुएशन हो सकता था, इन्हीं सब चीज़ों को लिखा है ना, लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स, सूखे होने का, क्योंकि वो लोग इतने अवेयर तो हो गए होंगे, यार ये चीज़ खाना है, ऐसा है वैसा है, अब यहाँ पर नहीं मिल रही है तो यहाँ से कहीं और चलो। और आज के टाइम में देख रहे हो, लोग तो अब कर नहीं पाते हैं, बात समझ, बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, अपने ज़िंदगी को जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वो लोग अपना एक जगह से दूसरे जगह भी जाते थे। ऐसे जाते 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 उन लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आने लगी, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, राइट। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स, राइट। तो प्राकृतिक आपदाओं बचने के लिए चले गए, कभी कभी लोग सेनाओं में मार्च करते थे, दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करते थे। अब सीधी सी बात है, कहीं एक ही जगह से मान लो कि 100-200 हज़ार आदमी एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रैवल करते चले जाएंगे, राइट है ना, जा रहे हैं, और वहाँ पर मान लो 50 आदमी है और यहाँ पर मान लो 200 आदमी है, तो 50 आदमी की चीज़ों को भाई समझा कब्जा कर लो। उस टाइम तो इतनी उनके पास सेंस नहीं था, उस टाइम इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। तो दिस इज द मेन पॉइंट, राइट। इसी इन्हीं सब तरीके से ये लोग है ना, धीरे धीरे है ना, जीवन जीने के तरीके को सीखा होगा, राइट। फिर देखो, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेव, देखो क्या लिखा है, न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, राइट। कई सैकड़ों वर्ष में लोगों ने पत्थरों को तराशने, संगीत बनाने, यहाँ तक कि खाना पकाने के नए तरीके सजा किए, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। मैन्युस्क्रिप्ट वेयर यूज रिटन इन द पाम लिम्स ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री, मैंने अभी बताया था, पाम लिप आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर या हिमालय में उगने वाले बर्च नामक पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखी जाती, या तो भाई ताड़ के पत्ते पर, और एक दूसरा है जो हिमालय में जो विशेष तौर पे जो उगने वाला जो पेड़ होता था, उसके पेड़ के छालों से, जिसको बर्च कहते हैं, राइट, बार्क कहते हैं, वहाँ पे इन सब चीज़ों को हाथों से लिखा जाता था, उन सब पॉइंट्सों को, राइट है ना। जो लोग उस टाइम होंगे जो समझदार, वो इनको ये चीज़ कहते हैं, इनको ये चीज़, क्योंकि हर समाज में एक न एक कोई ना कोई तो हीरो अपने आप को दिखता ही है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो उस टाइम में भी उनके पास कोई ऐसे पर्सन होते होंगे। पॉइंट इज क्लियर, गंगा नदी में। अब देखो, इंस्क्रिप्शन आर रिटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, ऐसी चीज़ें होती होगी उस टाइम, खुद ही सोचो एक बार, दिमाग आप अपने अपनी आँखों को थोड़ा बंद करो। अगर मान लो आप थोड़े से इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, राइट है ना, और आपके पास कुछ नहीं है, और आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, राइट है ना, और आपको बोला जाए कि भाई कुछ करो, आप लेकिन पढ़ने लिखने वाला आदमी हो, राइट। अब मेरे जैसा आदमी को मान लो किसी रूम में बंद कर दिया गया, राइट है ना, तो मैं तो भाई सीसैट के क्वेश्चन मैं तो दीवार पर भी सॉल्व करूँगा, दीवार पे भी मैं क्वेश्चंस को लिख दूंगा, कोई भी कुछ क्वेश्चंस आ गए तो मैं तो कहीं भी कुछ भी लिखता रह जाऊंगा, राइट। चाहे मेरे पास कोई बुक हो, मैं बुक में, या कोई पेज हो, मैं पेज पे लिखूंगा, राइट, कहीं भी। तो उस टाइम हुआ होगा, कुछ लोगों ने पता क्या किया होगा, राइट, पेड़ों के जो छाल होते हैं वहाँ पर लिखना शुरू किया होगा। उस टाइम तार का ही पेड़ उसको समझ में आता हो, क्योंकि तार के जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं थोड़े लंबे लंबे होते हैं, इसलिए उस पर थोड़ा लिखना उन्होंने शुरुआत किया होगा, राइट। उस टाइम उनको पत्थर दिखा होगा तो उस पत्थरों पर लिखा होगा। तो दी जाते जो जो एक मेरा जो सेंस है इस पर्टिकुलर इस टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये देखो, ये मत सोचना, हिस्ट्री को जो है ना आप अपने डे टू डे लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करके समझ सकते हो। हिस्ट्री के अंदर आप अपने डे टू
डेड लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करके आप पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली आप ज्यादा समझ में आओगे। लेकिन जो आप आंसर राइटिंग में जो आप वर्ड यूज करोगे ना वो उसी टाइम के वर्ड यूज करना चाहिए, ये नहीं कि रिटर्न ऑन हार्ड सरफेस उसके जगह थोड़ा इंस्क्रिप्शन लिख दो तो ज्यादा बेहतर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फिर देखो नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकैबेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट, पैंस, ऑर्नामेंट्स, ये सब भाई इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों के बारे में पता चला है, तो सिंपल है, राइट है ना। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो बुक फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट पीपल आर द पास्ट, राइट। आर्कियोलॉजिस्ट ये चीज उसको पता चलता है जैसे कि कुछ एनिमल्स की हड्डियाँ, पक्षियाँ और फिशेस, राइट, मछलियों कि कुछ हड्डियां से ये पता लगाया जा सकता है कि उस टाइम के लोग क्या खाते हैं। भाई सीधी सी बात है, उस टाइम उनको एनिमल दिखाओ, एनिमल को काट डालो, खा डालो, राइट है ना। पक्षी मिला इसको काटो, इसको खा लो, राइट है ना। कुछ भी दिखा उस टाइम खा लिया। आज के टाइम में, अच्छा एक बात बताऊं, आज के टाइम में भी लोगों की सोच ऐसी ही है या नहीं है? आज के टाइम में बहुत लोग एनिमल्स को खाते हैं, बकरी को खा जाते हैं, पता नहीं लोग मुर्गा खाते हैं बड़े चाव से। अब देखो अब दशहरा का टाइम आने वाला है, ठीक है ना, है ना। दशहरा में किसकी पूजा की जाती है? माँ दुर्गा की, है ना। एक तो दिमाग में चलेगा हे दुर्गा, हे दुर्गा, हे दुर्गा, जैसे दुर्गा गई ला मुर्गा, ला मुर्गा। अभी तो करेगा हे दुर्गा, हे दुर्गा, हे दुर्गा, हे दुर्गा, हे दुर्गा। जैसे दुर्गा माँ गई ला भाई मुर्गा, इधर हे दुर्गा मन में दुर्गा, इधर हे दुर्गा मन में मुर्गा, हे दुर्गा मन में मुर्गा, हे दुर्गा मन में दुर्गा, हे दुर्गा मन में मुर्गा, दुर्गा इधर दुर्गा माँ इधर मुर्गा माँ, ठीक है ना, दोनों चीज़ दिमाग में। तो मुझे लगता है कि लोगों का यह मत सोचना कि जो चीज़ें जो है अभी बदल गई है, ऐसा नहीं है रे। तो मैं कह रहा हूँ आप आज के टाइम की चीज़ों से कनेक्ट करके पढ़ो, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से एक बार हिस्ट्री को पढ़ लिया तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स हमारे लिए 18 to 20 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे, राइट है ना। मेंस में आपको पता ही है वहां पे 250 मार्क्स का कंप्लीट वहां पे एक पेपर ही होता है, राइट है ना। तो वहां भी आपको 150 आप आराम से स्कोर अच्छे तरीके से आप कर सकती हो, राइट। नेक्स्ट देखो, ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज काउंटिंग बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर्स बीसी, ये मैंने आपको बता ही दिया था इसके बारे में, राइट। पीपल हैव लिव्ड इन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा, देखो पीपल कहाँ रहते थे, द बैंक नर्मदा नदी के किनारे, सेवरल थाउजेंड ईयर्स, राइट है ना। अर्लीस्ट ऑफ देम स्किल्ड गैदर पीपल हु गैदर देयर फूड नियर सुलेमान किरतार इन प्रेजेंट डे, जो अच्छा जो अभी जो सुलेमान और किरतार हिल्स है ये प्रेजेंट डे में कहाँ, ये पाकिस्तान में, ये कहाँ पे, पाकिस्तान में। वहाँ के लोग विट एंड बार्ली, ये मैंने आपको बताया था, पीपल विल बिगन रेयरिंग इन, तो सुलेमान और किरतार अभी प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, पाकिस्तान। लिखो सभी लोग कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान। हाँ सर, जब मैं अंडमान निकोबार में था तो वो लोग पक्षी खाते थे, क्या बात है ना। इसको लिखो कमेंट सेक्शन में, सुलेमान और किरतार कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आया? अच्छा कितना परसेंट समझ में आया? ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 10% समझ में आया, 10%, बी ऑप्शन 30%, सी ऑप्शन 50%, डी ऑप्शन 80%। कितना परसेंट समझ में आया आपको ये मुझे बताओ, अभी की क्लासेस से कितने लोगों का हिस्ट्री ऑप्शन है? भाई साहब एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, राइट है ना। आज तो मैंने क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट किया 10:30 पे, बट मैं क्लास चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा 10 AM तक आपके लिए स्टार्ट कर दूँ, 10 AM तक आपके लिए सेशन में स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलप्ड, एग्रीकल्चर जो सबसे पहले जो डेवलप की गई कहाँ पे, गारो हिल्स एंड नियर ऑफ द विंध्यास, राइट है ना। तो विंध्या के पास कृषि का विकास हुआ, गारो पहाड़ियों के पास। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ट अबाउट 4700 एगो, बैंक्स ऑफ द इंडस एंड ट्रिब्यूटरी कृषि ऑल्सो डेवलप्ड ऑन द, उसके बाद देखो भाई, उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज द मेन पॉइंट्स। हम देखिए, पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इंटरेक्टिव विथ ईच अदर, थस शेयरिंग आइडिया। ये तो मैंने आपको करा दिया ना अभी, ये तो मैंने आपको करा, दो बार हो गया क्या ये? अरे इसमें एक चीज़ तो मैंने बताया ना आपको, एक चीज़ तो आपका छूट ही गया इसमें, इसमें एक चीज़ छूट गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। धीरे धीरे आपको सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी, राइट है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे एक सेकंड हो जाइए, एक सेकंड हो जाइए। देखो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश वाला भी दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये सारा पॉइंट्स आपका डिस्कस हो गया, राइट है ना। गंगा नदी, सायर नदी, इसके बारे में पूरा कम्प्लीटली पता आपको मैंने अभी बता ही दिया है ना। आज अच्छा एक बात बताओ, पहले के टाइम में लोग ट्रैवल क्यों करते थे? अब आप मुझे बताओ, पहले के टाइम में लोग ट्रैवल क्यों करते थे और आज के टाइम में लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न, कोई रीज़न बताओगे? पहले के टाइम में लोग ट्रैवल इसलिए करते थे, क्यों करते थे, रीज़न पता चल गया,
अपनी लाइवलीहुड के वजह से, राइट है ना, वहाँ किसी दूसरे चीज़ को समझने की वजह से, राइट। और आज के टाइम में लोग पता है क्यों कर रहे हैं, चलो ना भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है कहीं घूमने निकल जाते हैं, राइट है ना, नई शादी हुई कहीं और चले जाते हैं, लोग अपने मन को बहलाने के लिए लोग आज के टाइम में घूमने जाते हैं, राइट। तो ओहो, तो दिस इज द सिंपल पॉइंट। बट अब थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट ये है मेरे प्यारे बच्चे, ये है जो देश के नाम, ये वाला थोड़ा सा मैं इंग्लिश में भी आपको दिखा दूंगा, इंग्लिश में भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है, इंग्लिश में भी आपको देखो। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, राइट। अभी देखो यहाँ से हो सकता है कि आपके एग्जाम में प्रीलिम्स 2024 या 25 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी सुर्खी में था ना, अभी ये करंट में ये चीज़ें चल रही थी कि इंडिया का नाम बदल के क्या कर दें, केवल भारत ही रहेगा। और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे G20 की जो कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, आपने देखा होगा वहाँ पे इंडिया इस बार नहीं लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट। तो इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते थे। इंडिया शब्द इंडस से निकला, इंडिया का शब्द इंडस से क्यों निकला, क्योंकि इंडस का मतलब होता है संस्कृत में, इसको हम सिंधु कहते हैं संस्कृत में, इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाया तो चला पता लगाओगे 2500 ईयर्स पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरान और यूनान से जो उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम में क्या था, नॉर्थ वेस्ट में क्या था, मैंने अभी आपको क्या बताया, सुलेमान और किरथिया, राइट। उस साइड से ईरान और यूनान से लोग आने वाले लोग, यूनानियों ने सिंधु को हिदोस, यानी उसके प्रोनंसिएशन ठीक नहीं थे, हिदोस कहने लगे या तो इंदोस कहने लगे। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया, यानी कि जो लोग इस साइड से आते थे वहां के आसपास के लोगों को हिदोस या क्या इंदोस कहते थे। यार भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, वहां के जो आसपास जो लोग रहते थे, पीपल ऑफ द, जो ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी वहां पे जो आस, वहां के ग्रुप ऑफ द पीपल यानी लोगों के समूह में रहने वाले लोगों को ईरानियों और यूनानियों ने, उनको भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम रहने वाले शब्दों के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में, कितने वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और, राइट, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में, थोड़ा इंग्लिश में बताता हूँ, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। हम लोग एक्चुअली इंग्लिश वाले हैं, देखिए ये देखिए, इज इट विजुअल, इंग्लिश वाले क्या किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क हियर, राइट। सर अगर वे भारत का नाम बदलेंगे तो उन्होंने IAS का नाम भी बदल दिया, फिर वह BAS होगा, हाँ ये बात सही है, फिर ये बात सही है, फिर IAS का परीक्षा नहीं BAS का परीक्षा, ये बात। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, अभी तो बात इंग्लिश भी निकाल देना। अरे अभी कोई बच्चा बोल रहा था कि सर स्प्लिट करके चीज़ें आ जाएंगे, या एक काम करूँ मैं आपसे एक बात पूछूँ, इसको मैं एक बात आपसे बोलूँ कि रिकॉर्ड, चलो नहीं चलो ठीक है, लाइव ही ठीक है, राइट है ना। देखिए ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे, टू ऑफ द वर्ड ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री, एक तो इंडिया और एक भारत, है ना, इसलिए हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु, सिंधु को इन द संस्कृत में फाइंड ईरान एंड ग्रीक, ईरान और ग्रीक से आने वाले लोगों ने जो नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे, राइट, जो नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे, राइट, ओके, जो नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे, राइट है ना, 2500 ईयर्स से वो वर फैमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट्स हिंदोस और इंडोस, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, राइट। इंडिया, पता है इंडिया क्यों, लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर, जो वी रिवर था उसके ईस्ट वाले साइड को इंडिया, द नेम भारत भारतावाज यूज फॉर ग्रुप ऑफ अ पीपल, तो भारत का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ यूज ऑफ पीपल हु लीड इन नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, तो ये वाली लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गई मेरी बात मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा MCQ को सॉल्व करेंगे, सारी बातें मैंने आपको बता ही दिया था, राइट है, अब थोड़ा सा हम लोग MCQ को यूज करेंगे, राइट है ना, ताकि हम लोगों को पता चलेगा, राइट है ना। तो आर यू रेडी, चलिए कितनी देर हुई भाई,
जल्दी हम लोगों ने फिनिश कर लिया, ठीक है सर। अगर वे नाम बदल देंगे तो सरकार को सही परीक्षा ही नहीं बल्कि हिंदी में करानी चाहिए। देखो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, बताओ क्या होगा आंसर, थोड़ा जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। गेहूं और जो, एक साइड इंग्लिश है और एक साइड हिंदी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, आप इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, राइट। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों के उपजाने की शुरुआत की गई, गेहूं और जौ। ह्यूमन फर्स्ट स्टार्टेड ग्रोइंग दीज क्रॉप्स, राइट। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध की पहाड़ियाँ थी, राइट। द एरिया ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ दीज क्रॉप्स वर हिमालयस एंड विंध्यास हिल्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, बताओ मेरे प्यारे बच्चे, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा होगा, कौन सा होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट, ये मुझे बताएं मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, राइट। फटाफट मुझे व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कमॉन कमॉन, महाढोखो लोल हो, आंसर गलत भी दे रहे हो, राइट, है ना। देखो भाई, गेहूं और जौ फसल के बारे में सोचना है। सबसे पहली बात, गेहूं और जौ फसल सर्वप्रथम इन्हीं फसल, सबसे लिखा सर्वप्रथम यानी फर्स्ट टाइम, यस ये वाली बात बिल्कुल फर्स्ट है, यस बिल्कुल, इन्होंने इसको पहली बार इन्होंने शुरुआत किया था। सबसे पहली बार अगर कृषि की बात की जाए, कृषि के टाइम में शुरुआत करने के बाद, तो गेहूं और जौ, तो ये वाली बात पहली वाली चीज है, बिल्कुल सही, ये और ये सही है, इसलिए अभी ये तो आपका गलत होगा, राइट, है ना। अब ये और ये सही है, फर्स्ट विषय सेकंड थे, इन्हीं फसलों को उपजाने का, जो ये गेहूं और जौ, राइट, है ना, जो आपका गेहूं है, राइट, और ये आपका जौ है, राइट, इन फसलों को उपजाने का जो क्षेत्र था क्या हिमालय और विंध था, कभी नहीं, हिमालय और विंध नहीं था, सबसे पहले कहाँ, सुलेमान और खिरथार, राइट, सुलेमान एंड खिरथार, राइट, खिरथार यहाँ पे किया गया था। ये वाली लाइन आपका गलत है, ये वाली लाइन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये वाली लाइन आपका गलत है, राइट, है ना, सुलेमान और किरतेहान, राइट, इज इट क्लियर। अच्छा, ये कितने वर्ष पहले किया गया था, ये कितने वर्ष पहले किया गया था, ये मुझे आप बताओगे, बताओगे, क्लियर, कितने वर्ष पहले किया गया था, कितने वर्ष पहले, वहाँ पे ये बात लिखी भी थी, कितने ईयर्स पहले, राइट, सुलेमान है खिरथार, और कितने ईयर्स पहले, 8000 ईयर्स पहले, राइट, है ना, 8000 ईयर्स एगो, राइट। आंसर क्या होगा इसका, ए होगा जो आपका फर्स्ट होगा। यहाँ पे मैं एक दो चीज़ आपको एडवांस नॉलेज के लिख देता हूँ, एडवांस नॉलेज के मैं लिख देता हूँ, जो जो आपका विट, देखिए जो आपका विट एंड बार्ले है, राइट, विट एंड जो आपका बार्ले है, राइट, इसका जो आपका सबसे पहला जो अभी तक जो आपको जो मिला हुआ है, राइट, है ना, जो वो आपका मेहरगढ़ में मिला हुआ है, मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ कहाँ पे है आपका, वो आपका पाकिस्तान में है, वो आपका कहाँ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान, मेहरगढ़ पाकिस्तान नहीं, इसको कह सकते, सॉरी, इसको हम बलूचिस्तान कहेंगे, अभी अभी हम इसको बलूचिस्तान कहेंगे, ठीक है। और एक है माय डियर फ्रेंड्स, जो है आपका चावल का सबसे पहली बात जो पता चला है वो कबीर नगर के लहुरा देव, कबीर नगर के लहुरा देव, चावल का, चावल का, चावल का कबीर नगर के लहुरा देव, कबीर नगर के लहुरा देव, यानी यहाँ यहाँ चीज़ों से पता चला सबसे पहले कि गेहूं और जौ इस जगह से पता चला और चावल के बारे में यहाँ से। इज इट क्लियर, पॉइंट इज क्लियर, सुलेमान के 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विथ रेफरेंस टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। द अर्ली सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसके सहायक नदियों के किनारे हुआ। सिटीज डेवलप अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अबाउट 5000 ईयर्स अगो, गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे नगर का विकास लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ। कमॉन बताओ क्या होगा आंसर, वंध्या तिवारी, शिवानी गुप्ता, अनूप कुमार, रुद्र, बताओ क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा आंसर, कौन सा सही है, बताओ, यस इसका आंसर बिल्कुल ए होगा, ये वाली लाइन गलत है, 5000 वर्ष नहीं, 4700 ईयर्स एगो, 4700 ईयर्स एगो, 4700 वर्ष पहले, ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही
मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम जाता है? गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र अवंती, वज्जी, काशी और मगध किसके बारे में डिस्कस किया गया था ये आप हम ही लोगों को बताइए। आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था बताइए। बताइए कुछ लोग कह रहे हैं ए, डोटो लो लो, ए नहीं था, ए नहीं था, इसका जो था वो डी था, मगध था। कौन था? मगध था, मगध। अब मगध का कौन था शासक, इसका रूलर कौन था, रूलर कौन था, यहाँ का शासक कौन था, कोई बता सकता है? मगध का रूलर कौन था, मगध का जो था शासक कौन सा था, वहाँ का शासक कह सकते हो, यानी इसका संस्थापक, शासक छोड़ो, संस्थापक मुझे बताइए, इसका संस्थापक कौन था, कौन था, कोई बताएगा कौन था संस्थापक, कौन था और कब से कब तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था ये मुझे बताइए, जो वास्तविक संस्थापक कौन था बताइए, बताइए। अशोका नहीं था, ढोकलो, चंद्रगुप्त भी नहीं था, राइट। ये था बिंबिसार, बिंबिसार राइट है ना, बिंबिसार था राइट, जो 544 से 492 ईसा पूर्व, ये था, ये भी थोड़ा लिखते चलना साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत देश के नाम के संक्षिप्त कथनों में कौन सा कथन सही है भारत बारे में, फर्स्ट और सेकंड, विच वन इज द करेक्ट है भारत के बारे में? फोन के क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। हाँ वंदना तिवारी, यह ऐसा हो सकता है, ऐसा बोल सकती हो तुम। निकिता बताओ, इसका क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? ए नहीं, नहीं ए नहीं होगा ना। देखो 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यह बिल्कुल सही है, फर्स्ट सही है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जो ग्रुप ऑफ द पीपल था उसको भरत कहते थे। भरत का मतलब ये होगा ग्रुप ऑफ द पीपल, जो उस नदी के किनारे में जो लोग रहते थे उनको कहते थे। इसी समूह को लोग संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद वे भी मिलता है, जो आंसर एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ए क्यों दे रहे हो आप लोग आंसर? राजेंद्र राणा, ए क्यों दे रहे हो? सी में क्या होगा? ए क्यों दे रहे हो? सी ये होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका क्या आंसर होगा। बताइए आराम से, क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना, क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। फ़ोन के क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाइए, आपको विजिबिलिटी हो जाएगा, बट नेक्स्ट क्लास से आपको और भी अच्छे तरीके से मिलेगा। एक्चुअली फर्स्ट क्लास थी, इसके लिए थोड़ा सा आई एम रियली शो सॉरी, बट नेक्स्ट क्लास आपको ये चीज़ और भी अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है।
ध्यान से, जो इसका आंसर देगा उसको एक चॉकलेट। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी तो ठीक ही लग रहा है। आकाश तिवारी वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, आकाश तिवारी वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। देखो पांडुलिपि के बारे में, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, बिल्कुल सही है। क्या पूछा है, पहले क्वेश्चंस को रीड करो, पूछा है सही नहीं है ये पूछा है। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैनुस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा का शब्द मैनु से बिल्कुल सही है। पांडुलिपि तार के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार, ये बिल्कुल सही है। पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहार में प्राप्त होती है, भाई ये कहाँ इस बारे में डिस्कस किया गया है, पांडुलिपियाँ केवल मंदिर और बिहार में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी है, ये तो बात कहीं डिस्कस हो ही नहीं रहा है, ऐसा कोई डिस्कस हो ही नहीं गया है, राइट, ऐसा कहीं कुछ डिस्कस हुआ ही नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, राइट, डी जो है हम लोगों का सही आंसर होगा, राइट, है ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, राइट, ओके। नेक्स्ट देखो, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा लेख जो केवल पत्रों और पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख और वह पढ़ सके। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें बताओ क्या होगा आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बताइए पूजा, आपने सही आंसर दिया, महाठोकर लो लियो तुम, तुमने कैसे सही है, सबसे पहले आंसर कोई और दिया, सबसे पहले आंसर किसी और ने दिया, क्लियर। देखो ध्यान से समझो, पहले देखो ए बी सी डी, देखो भाई अभिलेख ऐसा लेख जो केवल पत्थरों पर, भाई पत्थरों पर उत्कीर्ण किया जाता था, ये गलत है, पता है क्यों, अभिलेख के बारे में ये कहीं नहीं लिखा है कि केवल वर्ड, देखो ध्यान से समझ, इसलिए मैं बार बार कहते हैं कॉमन सेंस यूज करो, यहां पे क्या लिखा, केवल पत्थरों, नहीं नहीं केवल पत्थरों नहीं, पत्थरों के साथ साथ धातु, धातु लिखा ना, सच राइटिंग्स विच वर इंग्रेव ओनली ऑन ए स्टोन, नहीं भाई स्टोन और मेटल भी था ना वर्ड मेटल, इसलिए पहला गलत हो जाएगा, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, अब ये भी रॉन्ग हो जाएगा, राइट, है ना, अब ये भी, समटाइम्स रूलर अदर पीपल यूज टू गेट ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है भाई, वो पत्थरों पे लिखवाते थे, उससे लिखवाने का तो अपने आप को एकदम, अपने आप को जो है ना वो ऐसा सोचते थे कि नहीं यार मैं बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हूँ, राइट, है ना, इतने अगर मेरे यहाँ जितना लिखा रहेगा इन इन पॉइंट्स को मुझे ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा, इसलिए क्योंकि ये सब सारी बातों से ये मैसेज आएगा कि हम अपनी आज्ञा, अगर मान उनको कुछ किसी को लोगों को अगर कुछ मैसेज देना होता था, कुछ करवाना होता था, तो बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवा देते थे, राइट, है ना, मैसेज देते थे, राइट, इसमें लिखा है यहाँ पे उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें दुख पड़ सके, पर्याप्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आगे मैं इसके आदेशों का इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, वो मैं आगे पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट इज क्लियर, मैचो मैन, यस, कथन है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी, देखो भाई आगे थोड़ा हिंदी में है, इंग्लिश में थोड़ा करवा नहीं पाया इसको, है ना, इंग्लिश करवा नहीं पाया, राइट, है ना, इंग्लिश करवा नहीं पाया, इसके लिए थोड़ा आई एम रियली वेरी सॉरी, राइट, रियली वेरी सॉरी, राइट, है ना, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास इसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मुझे बताओ क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, क्लास कुछ समझ में आ रहा है, क्लास कुछ समझ में आ रहा है, क्लास कुछ समझ में आ रहा है, राइट, है ना,
कुछ एनसीईआरटी के ऊपर आते हैं थोड़ा सा, एक ही देखो, अगर आप 100% कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ोगे ना तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत, अगर 100% अगर आप कॉन्सेंट्रेट में पढ़ोगे तो 100%। थोड़े से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस ये हैं मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, थोड़ा सा आप हमें इसका आंसर दे दीजिए, राइट है ना, आंसर दे दीजिए। मैं तो कहूँगा इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप पढ़ना भी मत घर पर, राइट है ना, आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए देखिए, मुझे इसमें से इसका आंसर बताइए, इसमें से नर्मदा वैली का क्या होगा, आंसर मैच कीजिए। सहिस्ट्री को कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा भाई, देखो कब होगा, देखो कब होगा, राइट। नर्मदा वैली का मतलब क्या है, पहली बात बताओ, द फर्स्ट बिग किंगडम, द फर्स्ट बिग किंगडम क्या, ये मगध था, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका मगध हो जाएगा। नर्मदा वैली पर आपको क्या मिला था, नर्मदा वैली पर हंटिंग एंड गैदरिंग सिटीज अबाउट 250 ईयर्स एगो, अर्ली एग्रीकल्चर या द फर्स्ट सिटी, गारो हिल्स, बताओ इसमें से किसका क्या होगा, एक बार आप अपने अपने आप को दो मिनट का टाइम लो, थोड़ा सा सोचो, क्लियर, पीडीएफ मिल जाएगा अभी, हाँ इसको इसको सोचिए फास्ट, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आप सभी के लिए, फास्ट तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बताइए नर्मदा वैली का मतलब, आराम से पहले एक बार आप पहले खुद को एक बार सॉल्व करो, खुद को सॉल्व करो, फिर आप मैच करना इसको, एक बार घर जा कर के ना एक बार है ना आप रिवाइज कर लेना, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, हिंदी में भी है, एक बच्चा बोला कि सर स्प्लिट करके है ना दोनों हो जाएगा, तो स्प्लिट का ऑप्शन ये है क्या, हाँ यार हो तो जाएगा यार, ये बात तो बिल्कुल सही बताया यार, ये बात तो बिल्कुल सही बताया यार, लेकिन ये लार्ज कहाँ से होगा यार, हैं ये तो आपने बता तो दिया यार, ये आपने बता तो दिया यार, लेकिन लार्ज कहाँ हो रहा है, और इस पे स्प्लिट करके ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा क्या, ये तो प्रिंट आउट हो गया, ये तो प्रिंट आउट हो गया, स्प्लिट का ऑप्शन तो यहाँ भी है, यार ये क्या हो गया, पहले ही दिन क्लास में ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये एग्जिट फुल स्क्रीन, ये क्या हो गया, इस पे जाओ भाई, अरे यार, क्लियर है, देखो सबसे पहली बात मैं आप सभी को, देखो देखो मैं बताता हूँ, इंडस जो गारो हिल्स है, देखिए पहली बात नर्मदा वैली, ये जो नर्मदा वैली है, ये नर्मदा वैली क्या है, नर्मदा वैली एक ऐसी वैली है जहाँ पे सबसे पहली बात पीपल लोगों ने हंटिंग और गैदरिंग करना शुरू किया, राइट, गारो हिल्स, गारो हिल्स सबसे पहले एग्रीकल्चर, अर्ली एग्रीकल्चर जो गारो हिल्स में देखने को मिलता है, गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, गंगा सॉरी इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज जो था एक फर्स्ट, ये क्या थी, एक पहली क्या थी, एक सिटी थी, एक इंडस है, ये फर्स्ट एक ऐसी सिटी थी, गंगा वैली के किनारे ये सिटीज अबाउट 2500, ये आपने मैच किया, ये आप सभी लोगों का मैच हुआ, हिंदी भी दिखाऊँ,
ये आप सभी लोगों ने मैच किया, क्या आप लोगों का ऐसा मैच हुआ? गंगा वैली मैच हुआ? नेक्स्ट टाइम से आपको ये और भी अच्छे से देखने को मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट टाइम से ये आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है, और अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिटर्न टू रसीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर ऑफ इट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड, ये कोई मतलब नहीं। व्हाट डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट द डिड, इसका आंसर आप लोग मुझे लिख करके भेजना, राइट, है ना। आप लोग मुझे डिस्क्राइब एट लीस्ट टू वे इन विच यू थिंक लिव्स ऑफ किंग्स एंड वो हैव डिफिकल्ट फ्रॉम देयर फेम, राइट। एक मुझे इसका आंसर, एक मुझे इसका आंसर, आप लोग मुझे होमवर्क बता रहा हूँ, आप लिख करके है ना मुझे आप टेलीग्राम पे भेजिएगा, राइट, है ना। एक टेलीग्राम मैं बनाता हूँ, ठीक है ना, है ना, यहीं पर दे देता हूँ एक टेलीग्राम बना करके, है ना, ग्रुप डिस्कशंस वाला, ठीक है। व्हाट वेयर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दिज वुड यू लाइक टू रीड, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। ये दो चीज़ों में आपकी क्या थॉट्स हैं? रिटर्न टू रसीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ द सम आंसर टू रीड, नाइन फाइव और सिक्स, राइट। तो आज यहीं तक रहने थे सर, आप अन अकेडमी क्यों छोड़ दिया? टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं यार छोड़ दिया यार, नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। एक इसका भी आंसर दे देना, एक इसका भी आंसर दे देना, एक इसका, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, राइट, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ आप इसका आंसर जो है ना, जो जो मेन पॉइंट लगता है, हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में ही दीजिएगा, मैं इसका एक ग्रुप बना देता हूँ आप सभी के लिए, हिस्ट्री का ग्रुप, राइट, है ना। तब तक आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, ये देखिए चैट सेक्शन में दिया होगा, चैट सेक्शन में आप सभी को दिया होगा, टेलीग्राम का मैसेज वाला मैं अलग मैं लिंक मैं आपको भेजता, एक सेकंड रुकोगे, अभी अभी रुकोगे, रुको तो मैं दूसरा देता हूँ टेलीग्राम का, एक सेकंड रुकना, एक मेरा जो टेलीग्राम है ना, मैं इसको चैट ओपन करता हूँ, जीएस पोर्टल वाला है, इसमें आप सभी लोग है ना डिस्कस कर सकते हो, इसमें आप सभी लोग जो है डिस्कस कर सकते हो, थोड़ा सा रुकिए, चैनल टैब, डिस्कशन चैनल टैब, पब्लिक साइन रिएक्शन, साइन मैसेज, जी एक सेकंड रुकना मेरे प्यारे बच्चे, रिसेंट एक्शन, रुकिए मैं देता हूँ एक सेकंड, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चे, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुको मेरे प्यार बेचे, मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा रुको, इसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लो अभी, एक मेरा जो क्लास का लिंक वगैरह मिलेगा वो तो है ही, बट मैं एक मैं आपको और दे रहा हूँ, ठीक है,
जहाँ पे आप आंसर कमेंट चैट सेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड ये देखना, इसको ज्वाइन करना, देखो मैं ऊपर देखो मैं पिन कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन करके देखो तो आप कमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जीएस पोर्टल वाला है, इसमें देखो तो आप कमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, डिस्कशंस कर पा रहे हो कि नहीं। जीएस पोर्टल देखिए तो डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, देखिए तो मेरे प्यारे बच्चे, बट कमेंट कर पा रहे हो वहाँ पे, चैट कर पा रहे हो आप, चैट कर पा रहे हो? मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप चैट कर पा रहे हो? आई वॉन्ट टू नो यू फ्रॉम यू गाइज कि आप चैट कर पा रहे हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप चैट कर पा रहे हो? चैट नहीं कर पा रहे हैं, कैन नॉट कमेंट, कैन नॉट कमेंट, रुको 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 रुको, कैसे होगा ये कमेंटेड, ये कैसे होगा? ये कैसे करोगे जो कमेंट कर पाओगे? चैट इज नॉट अवेलेबल, डिस्कशन, अच्छा अब रुकना अब रुकना अब रुकना अब रुकना, अब रुको अब रुको अब रुको, एक सेकेंड, सुन रहा है, अब करिए तो एक सेकंड, अब करो तो एक बार कमेंट, अब करो तो अब कर पा रहे हो बेटा? एक बार अब करो तो, नहीं नहीं एक बार चेक करो, अब करो तो, क्योंकि आंसर लिख के शो करना है। हाँ अब हो रहा है शायद ना, हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। अच्छा कौन से ग्रुप में आ रहा है, कौन से ग्रुप में आ रहा है चैट का सेक्शन में? सीरियस लर्नर विथ एसएसएम सर्ट, अब आ रहा है ना? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। तो जीएस पोर्टल के लिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जीएस का यहाँ पड़ेगा, बाकी सीसेट का तो मेरा है ही, लेकिन यार जीएस पोर्टल, चलो ठीक है, थैंक यू। बाकी मेरे प्यारे बच्चे एक बार ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, कुछ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वहाँ मिलेंगी, कोशिश करूंगा बहुत सारी चीज़ आपको, और आज रात को 7:30 PM में आपको ये वाला सेशन ज़रूर देखना है, आज रात को 7:30 PM आप इसको सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना? आपको इस चैनल पे जाना है, ठीक है, इस चैनल पे जाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके, और वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट आपका यहाँ बन जाएगा, तो इस वाले सेक्शन को आज आप सभी लोगों को देखना है, दूसरों को शेयर भी करना है, राइट है ना? ये ना आईपीएस बागर, मैंने आईपीएस कैसे बना टाइम लाइन पर 24-25 बाई आईपीएस बागर मांगा, राइट? यू मस्ट हैव टू बी वॉच दिस सेशन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, है ना? एक चैप्टर और इसका फिर कॉल कराऊंगा, फिर हिस्ट्री और पॉलिटी एक साथ चलेंगे, थैंक यू। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मज़ा आया, कुछ यूनिक मिला?